दोस्तों आज के समय में भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना कितना महंगा होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों का मानना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा अच्छी और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और मरीजों की देखरेख बहुत अच्छे से की जाती है। लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि यही प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको इस कदर लूटते हैं कि लोगों की जमीनें और प्रॉपर्टी तक बिक जाती हैं उन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए। साल 1972 में एक बार केनेथ हैरो, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिले, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा को बाजार के हवाले कर देना आम नागरिकों के लिए घातक साबित होगा और उनकी ये बात आज भारत पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। आज भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेवा के नाम पर पैसे छापने की कंपनी खोल रखी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों से कैसे पैसे छापते हैं और ऐसा करने से इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है और सरकार भी इनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाती। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे खुलेआम इतने बड़े पैमाने पर लूट मचाकर रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2015 में एक आदमी दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव का इलाज कराने के लिए जाता है, जिसके बाद उसे उसी हॉस्पिटल में मौजूद केमिस्ट से दवाई लाने के लिए कहा जाता है। जब वो आदमी वहाँ दवा लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जो सिरिंज बाहर 10 रुपए में मिलती है वही सिरिंज इस हॉस्पिटल में 19.5 यानी कि 19.5 रुपए में मिल रही है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और बिल करने के बाद वो घर आ जाता है, जिसके बाद वो शिकायत करता है कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मचा रखी है। उसकी सिरिंज वाली बात को आधार बनाकर CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जाँच करती है, जिसके 2 साल बाद ये खुलासा होता है कि वाकई में इस आदमी की बात सही है और उस हॉस्पिटल में सिरिंज 19.5 यानी कि 19.5 रुपए में ही दी जा रही थी। इसके बाद साल 2018 में CCI दिल्ली के 12 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर रिसर्च करती है और उसके ठीक 4 साल बाद 2022 में अपनी रिपोर्ट मीडिया में पब्लिश करती है, जिसमें वो दिल्ली में मौजूद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लूटने के तरीकों के बारे में बताती है। इस जांच में जो 12 बड़े हॉस्पिटल शामिल थे उनमें मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो, फोर्टिस, बत्रा हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल भी शामिल थे। CCI की इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के ये बड़े बड़े हॉस्पिटल मरीजों से किसी 4-स्टार या 5-स्टार होटल से भी ज्यादा कीमत से अपने रूम रेंट वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा ये मरीज की MRI, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की भी मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में तीसरी जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि ये सभी हॉस्पिटल मरीज की सर्जरी में यूज होने वाले मेडिकल उपकरणों को भी हाई प्रॉफिट के साथ बिल में जोड़ देते हैं। इन सबके जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जीवन भर की सेविंग्स तो यूं ही खत्म हो जाती है पल भर में। यहां तक कि उन्हें कर्जा लेना पड़ जाता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है और परिवार कई बार तो रोड पे आ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 33% लोग मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, वो भी सिर्फ इस वजह से कि सरकारी हॉस्पिटल की हालत खराब है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और मेडिकल समस्याओं की वजह से हर साल भारत में करीबन 6-7% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। कोरोना के समय में भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस प्रकार लोगों को ठगा गया था वो किसी से छुपा नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लोगों को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस तरह से लूटते हैं तो वो वहाँ पे इलाज कराने के लिए जाते ही क्यों हैं? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में करीबन 62,000 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 47,000 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 15,000 के करीबन सरकारी हॉस्पिटल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की आबादी के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल्स कितने ज्यादा कम हैं और लोगों को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना ही पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का तो अपना ही उसूल है, पैसे लगाओ इलाज कराओ, सिंपल। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल MRP से ज्यादा रेट की दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, जिससे वो 1200 से 1700% तक का प्रॉफिट कमाते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार जिस ग्लव्स की कीमत करीबन 1.5 रुपए होती है वो ग्लव्स इन हॉस्पिटल्स में 10 रुपए में बेचा जाता है। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब मात्र 2 रुपए में मिलने वाले यानी कि ब्लड चढ़ाने वाले कैनुला के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1500 रुपए चार्ज किए। इसके अलावा एक MRI कराने की कीमत जहां मार्केट में 2000 रुपए है, वहीं इन हॉस्पिटल्स में ये कीमत 10,000 रुपए रखी गई। और ऐसे ही एक एक करके मरीजों से ये लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और एक मरीज के द्वारा इतने रुपए खर्च किए जाने के बाद भी उसकी हेल्थ की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसके अलावा बच्चों की डिलीवरी को लेकर भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम नहीं लूटते। दरअसल एक नॉर्मल डिलीवरी में कम खर्चा आता है और एक C-सेक्शन डिलीवरी में ज्यादा खर्चा आता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जहां सरकारी अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी का C-सेक्शन रेट 15% है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 45% महिलाओं की C-सेक्शन डिलीवरी होती है। एक समय पर भगवान कहे जाने वाली ये डॉक्टर आज केवल बिजनेसमैन बनकर रह गए और एक समय पर मंदिर कहे जाने वाली हॉस्पिटल्स केवल बिल्डिंग बनकर रह गए। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स
में एक और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है और वो ये है कि इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को मंथली टारगेट दिए जाते हैं सीरियसली कि उन्हें मरीजों के कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, कितने टेस्ट कराने हैं और जिन टेस्टों से उन्हें प्रॉफिट कितना तक कमाना है, ये टारगेट्स पहले से सेट होते हैं। इसीलिए इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बाहर से कराए हुए टेस्ट अलाउड ही नहीं किए जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है और ना ही बाहर से मेडिसिन अलाउड की जाती है। जो भी करना है वो सब उसी हॉस्पिटल में करना पड़ेगा, फिर चाहे वहां कोई छोटा टेस्ट हो या फिर बड़ा टेस्ट हो, चाहे कोई छोटी मोटी दवाई हो या फिर किसी बड़ी बीमारी की दवाई हो, सब कुछ उसी हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा। There is no other option। अब बात करेंगे अगर सरकारी हॉस्पिटल की, तो पहली बात तो कि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं थी कि वो इतने सारे लोगों का इलाज कर पाए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि आपको एक एक्सरे करवाना होगा तो उसके लिए आपको 1 से 2 दिन तक के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा। यदि आप एम्स की बात करें तो वहां आपको इलाज कराना है तो आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने तक अपॉइंटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए भी लोग सरकारी हॉस्पिटल से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल को पसंद करते हैं, क्योंकि कम से कम इलाज तो मिलेगा, पैसे चाहे जो लगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि लोग इलाज तो कराएंगे, पैसे चाहे जो दे। अब सवाल यह है कि आखिरकार सरकार इन सब मामलों में कुछ करती क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को रोक सके। हालांकि CCI की रिपोर्ट आने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इन हॉस्पिटल्स पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करने के लिए आजाद हैं। इस मामले पर NSO ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया कि सरकारी हॉस्पिटल के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने का खर्चा करीबन 7 गुना ज्यादा है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। इन सबके बावजूद भी लोगों को प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पसंद आते हैं। इस वजह से प्राइवेट अस्पतालों में जाने से जहां एक और मरीज की जेब कटती रहती है तो वहीं हॉस्पिटल की जेब बड़ी हो दी जाती है। और हमारे देश की विडंबना ये है कि यहां की सरकार भी इस मामले पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती है, यानी कि सरकार के लिए लोगों के स्वास्थ्य कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं। अगर आप एक बड़े सरकारी आदमी को देखें तो वो भी एम्स जैसे संस्था को छोड़कर अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी अस्पताल की हालत क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी के खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है और क्या सरकारी अस्पताल की हालत में कोई सुधार होता है।